अगर हमको अगर सड़क होती तो इस बच्चे का आज जो बच्चा है छोटा वो ज़ाया नहीं होता था, ठीक है। मैं इनके साथ डोडा भी था, और अगर सड़क होती हमारे इधर चांटी टोरा में सड़क पहुंची होती तो ये हालत नहीं होनी चाहिए थी, मत होनी थी, है ना। तो सिर्फ बोर्ड के वक्त आते हैं और हमको झूठे वादे देते हैं, हाँ आपकी सड़क पहुंच जाएगी, मगर क्यों नहीं पहुंची। और आज के बाद हम किसी भी पार्टी कोई वोट नहीं देंगे, चांटी टोरा वाले हम बाइकॉट करेंगे, कोई वोट। हाँ जी, यही हालात है हमारी, हम इस हालत तक हैं अभी तक, ऐसी आबादी हमारी और यहाँ तक पहुँच गए। डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन, ये देख रहे हो हालात, क्या हालात है देख रहे हो, बच्चा क्या बोलेंगे अब। देखो ये हालत है हमारी चांटी टोरे वालों की, अगर हमको अगर सड़क होती तो इस बच्चे का आज जो बच्चा है छोटा वो ज़ाया नहीं होता था, ठीक है। मैं इनके साथ डोडा भी था, और अगर सड़क होती हमारे इधर चांटी टोरा में सड़क पहुंची होती तो ये हालत नहीं होनी चाहिए थी, मत होनी थी, है ना। तो सिर्फ बोर्ड के वक्त आते हैं और हमको झूठे वादे देते हैं, हाँ आपकी सड़क पहुंच जाएगी, मगर क्यों नहीं पहुंची। और आज के बाद हम किसी भी पार्टी कोई वोट नहीं देंगे, चांटी टोरा वाले हम बाइकॉट करेंगे, कोई वोट नहीं होगा हमारा, किसी को नहीं होगा, किसी भी पार्टी को, क्योंकि बस बस हो गया। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये चांटी टटोरा यानी गाजोट की जो पंचायत है भाला तहसील के अंदर पड़ता है, वहाँ की ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। ये एक डिलीवरी केस है, अभी अभी उन लोगों के साथ हमारी बात हुई है जिनका कहना है कि हम इस लेडी को डोडा हॉस्पिटल लेकर चले गए थे, तकरीबन 5 किलोमीटर ये जो सफ़र हमारा रहता है, 5 किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ता है, पालकी का भी हमने जो अरेंज किया था, लेकिन रोड ना होने के कारण हम लेट हो गए, हम जीएमसी डोडा में लेट पहुंचे, तो जो छोटा बच्चा था वो मर गया था। इसलिए हम फिर से पालकी पर इस औरत को अपने घर लेकर जा रहे हैं, यानी चांटी टटोरा का जो एरिया है वहाँ पर जो लेकर इसको जा रहे हैं, जिनका साफ कहना था कि हर बार वोट लेने के लिए अलग अलग पार्टियाँ यहाँ पर आती हैं, लेकिन जब जीत कर यहाँ से चली जाती हैं तो कोई भी इस इलाके का काम नहीं करता। 5 किलोमीटर हमको जो पैदल चलना पड़ता है, तकरीबन 2 से 2.5 घंटा यहाँ पर जो पहुँचने के लिए लगता है। हमारे साथ जो वादा किया गया था कि आपको रोड देंगे, लेकिन एक बार फिर से हमको इसी प्रकार से यानी पालकी में उठाकर ये जो डिलीवरी केस है, ये जो महिला है, इसको उठाकर हम लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना था कि अगली बार जो इलेक्शन आएगा हम पूरी तरह इलेक्शन बाइकॉट करेंगे, किसी को भी वोट नहीं करेंगे, क्योंकि झूठे वादे हर बार हमारे साथ किए जाते हैं, बाद में जब जीत कर यहाँ से चले जाते हैं तो कोई भी काम हमारा जो पूरा होता नहीं है। इसी तरह हम लोग जो सफ़र करते हैं गाजोड़ तक तो रोड है, लेकिन उधर से ऊपर 5 किलोमीटर हमको जो पैदल सफ़र करना पड़ता है। आप देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद। हाँ जी, यही हालात है हमारी, हम इस हालत तक हैं अभी तक, ऐसी आबादी हमारी और यहाँ तक पहुँच गए। डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन, ये देख रहे हो हालात, क्या हालात है देख रहे हो, बच्चा क्या बोलेंगे अब। देखो ये हालत है हमारी चांटी टोरे वालों की, अगर हमको अगर सड़क होती तो इस बच्चे का आज जो बच्चा है छोटा वो ज़ाया नहीं होता था, ठीक है। मैं इनके साथ डोडा भी था, और अगर सड़क होती हमारे इधर चांटी टोरा में सड़क पहुंची होती तो ये हालत नहीं होनी चाहिए थी, मत होनी थी, है ना। तो सिर्फ बोर्ड के वक्त आते हैं और हमको झूठे वादे देते हैं, हाँ आपकी सड़क पहुंच जाएगी, मगर क्यों नहीं पहुंची। और आज के बाद हम किसी भी पार्टी कोई वोट नहीं देंगे, चांटी टटोरा वाले हम बाइकॉट करेंगे, कोई वोट नहीं होगा हमारा, किसी को नहीं होगा, किसी भी पार्टी को, क्योंकि बस बस हो गया।
आराम में।